गुड इवनिंग स्टार्ट सर। करते हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस छूटे हैं, उनको डिस्कस करते हैं, एक बार चेक कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन डिस्कस हो गया हो तो बता देंगे। पेज नंबर 105 पे 11, जो आपको रिलेटिव से क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ पॉइंट सजेस्ट किए थे, तो 104 पे 10 शायद डिस्कस हो गया है, 11 शायद डिस्कस नहीं हुआ होगा। जो असाइनमेंट 10 है, वेरिएशनल WKB मेथड एंड अदर्स, तो नेट पेपर के शायद बाकी क्वेश्चंस 103, 104, 105 पेज पे, जो 3 पेजेस पे क्वेश्चंस हैं, 3-4 पेजेस पे, शायद ये क्वेश्चन नंबर 11 बचा होगा, बाकी शायद हो गए होंगे। हाँ सर, 11 ही बचे। ठीक। तो रिलेटिवली क्वांटम मैकेनिक्स में आपको मैंने ड्राग थ्योरी के कुछ पॉइंट सजेस्ट किए थे। द डायनामिक्स ऑफ ए फ्री रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ मास एम इज गवर्न्ड बाय द ड्राग हैमिल्टोनियन, एच इज इक्वल टू सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम इंटू सी स्क्वायर। तो रिकॉल करें, ये ड्राग हैमिल्टोनियन मैंने फ्री पार्टिकल के लिए आप लोगों को डिस्कस किया था, इसकी लीनियर होने की कंडीशन थी, ये रिलेटिविस्टिक के लिए इनवेरिएंट बन जाए। दैट टाइम पे ये जो ड्राग मैट्रिसेस हैं अल्फा और बीटा, ये आपको सजेस्ट किए थे कि ये एनर्जी, मोमेंटम और पोजिशन से इंडिपेंडेंट बनेंगे, जिससे ये हैमिल्टोनियन मोमेंटम में लीनियर बने। वेयर पी इज मोमेंटम ऑपरेटर एंड अल्फा अल्फा एक्स अल्फा बाई अल्फा जेड एंड बीटा आर 4x4 ड्राग मैट्रिसेस। द एक्सिलरेशन ऑपरेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, आपको एक्सिलरेशन चाहिए और एक्सिलरेशन के लिए आपको d/dt ऑफ वेलोसिटी चाहिए। अब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन इन क्वांटम मैकेनिक्स, अगर आप एक एक्सपेक्टेशन के टर्म्स में रिजल्ट नोट किए थे, इंटरेक्शन पिक्चर में अगर आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन इन क्वांटम मैकेनिक्स को कंपेयर करेंगे, एनालॉगी करेंगे, तो d/dt ऑफ ए डायनामिकल वेरिएबल ए इज इक्वल टू डेल ए बाई डेल टी प्लस 1/iħ कॉमुटेटर ऑफ ए विद एच। ये इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा इंटरेक्शन पिक्चर, जो मैंने एक्सपेक्टेशन में नोट किया था वो हाइट श्रोडिंगर पिक्चर में है। तो आपको यहाँ पे अगर वेलोसिटी एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, तो इनडायरेक्टली आपको वेलोसिटी ऑपरेटर का कॉमुटेटर हैमिल्टोनियन के साथ फाइंड करना है, डेल वी वाई डेल टी जीरो बनेगा। वेलोसिटी का एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंसी नहीं है, ये पार्शियल डेरिवेटिव जीरो बन जाए। तो एक्सेलेरेशन फाइंड करने के लिए आपको 1/iħ क्रॉस कॉमुटेटर ऑफ वेलोसिटी ऑपरेटर विद हैमिल्टोनियन, ये आपको कॉमुटेटर फाइंड करना है। और रिकॉल करें, जब आपको ये हैमिल्टोनियन मैंने सजेस्ट किया है, तो वहाँ पे ड्राग थ्योरी में ही एक अप्रोच डिस्कस किया, जिसमें प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आपको डिफाइंड किया था। तो इन ड्राग थ्योरी वेलोसिटी इज डिफाइंड एज सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया हो? इसको इस हैमिल्टोनियन से ड्राइव भी कर सकते हैं। जब वेलोसिटी फाइंड करना होगा तो आपको पोजीशन के साथ आपको हैमिल्टोनियन से कम्यूटेटर फाइंड करना होगा, बट वो मैं अगर आर्टिकल को रेफरेंस लेंगे तो वो सम स्टेप्स आप स्किप करके डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अल्फा आपको स्टेटमेंट में डिफाइन किया है, अल्फा एक्स आई कैप प्लस अल्फा वाई जे कैप प्लस अल्फा जेड के कैप। एक्सेलेरेशन फाइंड करने के लिए आपको कॉमुटेटर फाइंड करना है 1/iħ क्रॉस
वेलोसिटी, वेलोसिटी को आप रिप्लेस करेंगे यहाँ पे सी अल्फा, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है जो कांस्टेंट है, अल्फा और एच का कम्यूटेटर फॉर्म करना है। अगर आप एच हैमिल्टोनियन फॉर्म यहाँ पे प्लेस करें तो सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम इंटू सी स्क्वायर, ये कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करना है। तो कम्यूटेटर का लीनियरिटी कंडीशन अगर आप अप्लाई करेंगे तो इस अल्फा का कम्यूटेटर इस टर्म के साथ और यहाँ पे सी कांस्टेंट है ऑपरेटर, तो ये सी स्क्वायर फॉर्म बन जाएगा बाई आई एच क्रॉस कम्यूटेटर ऑफ अल्फा विद अल्फा डॉट पी प्लस सी बाई आई एच क्रॉस ये एम इंटू सी स्क्वायर स्केलर टर्म है कम्यूटेटर ऑफ अल्फा विद बीटा। तो दीज टू कम्यूटेटर्स की आपको रिक्वायरमेंट है, अगर ये कम्यूटेटर्स आप फाइंड कर लें तो एक्सेलेरेशन आप फाइंड कर सकते हैं। तो पहले कम्यूटेटर फाइंड करते हैं अल्फा एंड बीटा। जो आपको ये ड्राग थ्योरी सजेस्ट किया है तो कुछ पॉइंट्स को आप रिकॉल करेंगे, मैंने अल्फा के कंपोनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट्स और अल्फा के ईच कंपोनेंट का बीटा के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट का रिजल्ट आपको डिस्कस किया है, अल्फा आई बीटा प्लस बीटा अल्फा आई इज इक्वल टू जीरो ईच कंपोनेंट के साथ, और अल्फा के ईच कंपोनेंट के साथ भी आपको ये डिस्कस किया है अल्फा आई अल्फा जे प्लस अल्फा जे अल्फा आई इज इक्वल टू जीरो इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू जे, और ये भी आपको सजेस्ट किया कि अल्फा के कंपोनेंट के स्क्वायर यूनिट ऑपरेटर होता है। ये पॉइंट रिकॉल हो गए होंगे सभी को। तो यहाँ पे आपको अल्फा एक्स आई प्लस अल्फा वाई जे प्लस अल्फा जेड के कम्यूटेटर विद बीटा, तो यहाँ पे कम्यूटेटर ऑफ अल्फा एक्स विद बीटा यूनिट वेक्टर आई कैप, कम्यूटेटर ऑफ अल्फा वाई विद बीटा यूनिट वेक्टर जे कैप, कम्यूटेटर ऑफ अल्फा जेड विद बीटा यूनिट वेक्टर के कैप। अब ये अगर कम्यूटेटर की वैल्यू फाइंड करें, देखो मैं ये डायरेक्ट प्लेस करता है बट फिर से आप लोग किसी को डाउट रहेगा तो कम्यूटेटर ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे तो ये अल्फा एक्स बीटा माइनस बीटा अल्फा एक्स, ये डेफिनेशन कम्यूटेटर ब्रैकेट का बनेगा। बट अगर आप यहाँ पे ये एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट एक पर्टिकुलर कंपोनेंट अल्फा एक्स के लिए यूज करें तो अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स बीटा प्लस बीटा अल्फा एक्स जीरो है, तो यहाँ से आप ये बीटा अल्फा एक्स को माइनस अल्फा एक्स बीटा जैसे ही यहाँ पे रिप्लेस करेंगे दीज टू रिलेशन से ये कम्यूटेटर ब्रैकेट आपको कन्फर्म हो जाएगा कि टू टाइम्स ऑफ अल्फा एक्स बीटा बनेगा। ये पॉइंट सभी को रिकॉल हुआ? Yes. तो ईच कम्यूटेटर ब्रैकेट की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ट्वाइस ऑफ बीटा कॉमन लेंगे, बीटा राइट में आप कॉमन ले लीजिए क्योंकि ये कम्यूटेट कम्यूट नहीं करते हैं, तो ये अल्फा एक्स आई प्लस अल्फा वाई जे प्लस अल्फा जेड के, दिस वैल्यू टू टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बीटा आप नोट कर सकते हैं। तो ये टर्म आप फाइंड हो जाएगा, बट अभी आपको ये ब्रैकेट और चाहिए जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये ब्रैकेट को डिस्कस कर रहा हूं। कम्यूटेटर ऑफ अल्फा विद अल्फा डॉट पी, अल्फा का डेफिनेशन कंपोनेंट वाइज नोट करेंगे अल्फा एक्स आई कैप प्लस अल्फा वाई जे कैप प्लस अल्फा जेड के कैप, अल्फा डॉट बी को ओपन करेंगे अल्फा एक्स पी एक्स प्लस अल्फा वाई पी वाई प्लस अल्फा जेड पी जेड। अब
यहाँ पे कॉम्यूटेटर का लीनियरिटी कंडीशन अप्लाई करेंगे, अल्फा एक्स कॉम्यूटेटर विद अल्फा एक्स पी एक्स आई कैप। या अभी इसको सेपरेटली सिंप्लीफाई कर सकते थे, अभी ये टर्म को अल्फा डॉट पी कर लें क्योंकि सी में फिर मोर कॉम्पिटेटर ब्रैकेट्स बन जाएंगे, ये लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे। ये सेपरेटली कंपोनेंट एक कंपोनेंट के साथ फाइंड कर लेंगे तो बाकी टर्म के साथ इसको नोट कर सकता है। ये कॉम्पिटेटर ब्रैकेट अल्फा एक्स अल्फा डॉट पी आई कैप प्लस कॉम्पिटेटर अल्फा वाई अल्फा डॉट पी जे कैप प्लस कॉम्यूटेटर ऑफ अल्फा जेड विद अल्फा डॉट पी के कैप। अब इनमें से कोई एक कॉम्यूटेटर फाइंड कर लें तो बाकी को सिमेट्री से नॉट कर सकते हैं, अल्फा एक्स अल्फा डॉट पी कॉम्यूटेटर अल्फा एक्स एस एच अल्फा डॉट पी अल्फा एक्स पी एक्स कॉम्यूटेटर प्लस अल्फा एक्स अल्फा वाई पी वाई प्लस अल्फा एक्स अल्फा जेड पी जेड। ये अल्फा डॉट पी को ओपन किया मैंने, अल्फा एक्स पी एक्स प्लस अल्फा वाई पी वाई प्लस अल्फा जेड पी जेड और लीनियरिटी कंडीशन यूज कर दिया है। अल्फा के ईच कंपोनेंट मोमेंटम से इंडिपेंडेंट है, जब आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इस प्रोडक्ट से अल्फा एक्स को लेफ्ट में नॉट करेंगे तो कम्यूटेटर बनेगा अल्फा एक्स पी एक्स जो जीरो बन गया, पी एक्स को जब राइट में नॉट करेंगे तो अल्फा एक्स कॉमन करेंगे तो फर्स्ट कॉम्यूटेटर ब्रैकेट में टू टर्म्स बनेंगे जो दोनों वैल्यू जीरो बनेंगे। अब इस सेकंड कॉम्यूटेटर ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके अल्फा वाई को जैसे ही आप लेफ्ट में नॉट करेंगे तो अल्फा एक्स पी वाई कॉम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो बनेगा, और पी वाई को अगर कॉम्यूटेटर के राइट में नॉट करें तो कॉम्यूटेटर ब्रैकेट बनेगा अल्फा एक्स अल्फा वाई। तो यहां से लीनियरिटी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ईच कॉम्यूटेटर टू कॉम्यूटेटर के टर्म्स में नॉट करेंगे जिसमें से वन कॉम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो बनेगा जिसमें अल्फा और पी के साथ कॉम्यूटेटर बनेंगे। सिमिलर अप्रोच से यहाँ पे आप कॉम्यूटेटर ब्रैकेट नॉट करेंगे तो टू कॉम्यूटेटर से जो नॉन जीरो कॉम्यूटेटर है वो मैंने नॉट कर दिया, अल्फा एक्स अल्फा जेड कॉम्यूटेटर पी जेड जो रिमेनिंग कॉम्यूटेटर है वो जीरो बन गया। अभी एक पॉइंट आपको यहाँ पे सजेस्ट किया था अल्फा और बीटा पार्ट के लिए, सिमिलर अप्रोच ये एंटी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट और कॉम्यूटेटर ब्रैकेट का डेफिनेशन यूज करें तो ये कॉम्यूटेटर ब्रैकेट की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड कर यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। टू टाइम्स ऑफ अल्फा एक्स अल्फा वाई नॉट कर सकते हैं पी वाई एस एच, ये टू टाइम्स ऑफ अल्फा एक्स अल्फा जेड पी जेड। ये सब सभी को क्लियर हो गया? Yes, sir. अब यहां से आप टू कॉमन ले लें, अल्फा एक्स लेफ्ट में कॉमन ले लें तो प्रोडक्ट टर्म बनेगा अल्फा वाई पी वाई प्लस अल्फा जेड पी जेड। टू अल्फा एक्स एस एच, अब यहां पे अल्फा वाई पी वाई एस एच अल्फा जेड पी जेड एस एच, यहां से आप अल्फा एक्स पी एक्स एड कर लें और अल्फा एक्स पी एक्स डिफरेंस कर लें। इस स्टेप में भी कोई डिफिकल्टी नहीं। टू अल्फा एक्स, अब ये टर्म को क्योंकि ऑप्शन में जो टर्म्स हैं वो अल्फा डॉट पी वाले टर्म हैमिल्टोनियन से रिलेट किए गए हैं फिर से, तो ये टर्म को मैं अल्फा डॉट पी नॉट कर सकता हूँ, अल्फा डॉट पी और ये टर्म माइनस अल्फा एक्स पी एक्स। अब ये टर्म की वैल्यू फाइंड हो गई, ये टर्म्स आपको फिर से कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे कंपेयर करें, एक्स कंपोनेंट था ये अल्फा डॉट पी, तो जो कंपोनेंट यहाँ पे है वो टू टाइम्स नॉट हो गया और अल्फा डॉट पी से मोमेंटम के साथ सेम कंपोनेंट का प्रोडक्ट डिफरेंस करना है। तो सिमिलर अप्रोच से आप ये डायरेक्ट अल्फा बाई अल्फा डॉट पी को नॉट कर सकते हैं। तो टू अल्फा वाई अल्फा डॉट पी माइनस अल्फा वाई पी वाई, थर्ड कॉम्यूटेटर ब्रैकेट अल्फा जेड अल्फा डॉट पी दैट इज
2 times of alpha z alpha dot p minus alpha z pz. अब ये all commutator brackets आपको find हो गए, जो required result है commutator of ये commutator of alpha with alpha dot p आप find कर सकते हैं. टू टाइम्स ऑफ अल्फा एक्स अल्फा डॉट पी माइनस अल्फा एक्स पी एक्स, ये टर्म स्केलर वैल्यू है. यूनिट वेक्टर आई आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या आप अभी इसको राइट में नोट कर लें, लास्ट में जब प्रोडक्ट करेंगे तब इसको एडजस्ट करेंगे. टू टाइम्स ऑफ अल्फा वाई अल्फा डॉट पी माइनस अल्फा वाई पी वाई जे कैप प्लस टू टाइम्स ऑफ अल्फा जेड अल्फा डॉट पी माइनस अल्फा जेड पी जेड के कैप ट्वाइस अल्फा एक्स अल्फा डॉट पी आई कैप माइनस टू अल्फा एक्स स्क्वेयर पी एक्स आई कैप. ऐसे ही ऑल टर्म्स आप यहाँ पे प्रोडक्ट में नोट करेंगे. टू अल्फा वाई अल्फा डॉट पी आई कैप माइनस टू अल्फा वाई स्क्वायर सॉरी ये जे कैप पी वाई जे कैप प्लस टू अल्फा जेड अल्फा डॉट पी के कैप माइनस टू अल्फा जेड स्क्वायर पी जेड के कैप. अभी स्क्वायर वाले टर्म अल्फा के कंपोनेंट के स्क्वायर के लिए रिजल्ट आपको यूनिटी बताया और यूनिटी को मोमेंटम के कंपोनेंट में ऑपरेट करेंगे तो ये अनचेंज रहेगा. तो ये थ्री टर्म्स इसको आप टू पी एक्स आई प्लस टू पी वाई जे प्लस टू पी जेड के ये टू पी वेक्टर में आप नोट कर सकते हैं. यहां से अल्फा डॉट पी कॉमन लेंगे इस टर्म से दी थ्री टर्म से तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में नोट कर रहा हूं. टू अल्फा एक्स आई प्लस अल्फा वाई जे प्लस अल्फा जेड के दीज थ्री टर्म्स से अल्फा डॉट पी कॉमन लिया तो ये फॉर्म बनेगा और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको आप एडजस्ट करेंगे तो टू पी एक्स आई प्लस टू कॉमन हो गया पी वाई जे प्लस पी जेड के टू अल्फा वेक्टर अल्फा डॉट पी माइनस टू पी वेक्टर नोट कर सकते हैं. अब जो कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स आपको फाइंड करना था एक्सलेशन के लिए वहां पे प्लेस कर दीजिए. इस एक्सप्रेशन में प्लेस करना है. सी स्क्वेयर बाय आई एच क्रॉस ट्वाइस अल्फा वेक्टर अल्फा डॉट पी माइनस टू पी वेक्टर प्लस ये सेकेंड टर्म सी इंटू एम इंटू सी स्क्वेयर बाय आई एच क्रॉस अल्फा बीटा कॉम्यूटेटर दैट इज ट्वाइस अल्फा बीटा ये सिंपल ब्रैकेट. अब दीज टू टर्म से यहां से आप कॉमन लें सी टू बाई आई एच क्रॉस फैक्टर तो यहां से टू कॉमन आ गया सी का वन पावर तो ये अल्फा सॉरी सी अल्फा अल्फा डॉट पी माइनस सी पी वेक्टर प्लस एम इंटू सी स्क्वेयर अल्फा बीटा. ट्वाइस सी बाई आई एच क्रॉस. अब ये टर्म को हैमिल्टोनियन में एडजस्ट करना है तो आप यहां पे कंपेयर कर सकते हैं ये अल्फा
मैंने कॉमन ले लिया इस टर्म से और इस टर्म से, तो सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम इंटू सी स्क्वेयर, ये माइनस सी पी, तो ट्वाइस सी बाई आई एच क्रॉस एस सच। इस टर्म को आप हैमिल्टोनियन, ये टर्म को ब्रैकेट के इनसाइड वाले टर्म को आप हैमिल्टोनियन नोट कर सकते हैं। तो ये अल्फा एच माइनस सी पी। अब यहाँ से ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन में आई न्यूमरेटर में इंक्लूड किया हुआ है, तो वन अपॉन आई को माइनस आई करेंगे और इस माइनस को इनसाइड में इंक्लूड कर लेंगे, तो ट्वाइस आई सी बाई एच क्रॉस, ये टर्म प्लस हो गया, सी पी ये टर्म माइनस हो गया, अल्फा एच। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ये जो असाइनमेंट 9 है, नेट पेपर वाला जो असाइनमेंट है, इसके सभी क्वेश्चंस 100, 101 और 102 तक सभी क्वेश्चंस डिस्कस हो गए या कोई छूटा है? सर हो गए सभी। पेज नंबर 99 पे सर हो गए सर। 98 पे सर हो गए। 96, 97 सर हो गए सर। 95 से इधर लेफ्ट साइड में बताइए कहां तक हो गए सारे। The Hamiltonian of two interacting particles, one with spin 1 and other with spin half, is given by H is equal to A S1 dot S2 plus B S1x plus S2x, where S1 and S2 denote the spin operator of the first and second particles respectively, and A and B are positive constants. The largest eigenvalue of this Hamiltonian is, तो पहले तो आप ये अगर S1 dot S2 की value find कर लें, तो S1 dot S2 जो पहले आपको डिस्कस किया हुआ है, S1 S square minus S1 square minus S2 square by 2, तो यहाँ पे क्वांटम नंबर बोथ पार्टिकल के लिए गिवन है, एक स्पिन 1 और एक स्पिन हाफ। यहाँ से रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर फाइंड करेंगे, S1 minus S2 मैग्नीट्यूड 2, S1 plus S2 मैग्नीट्यूड विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी, तो 1 माइनस हाफ का डिफरेंस 1/2 और 1 प्लस हाफ को ऐड किया तो 3/2, इसके बीच में यूनिटी का डिफरेंस है, इसके अलावा और कोई वैल्यूज नहीं है। तो S1 डॉट S2 की वैल्यूज जब आप फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हाफ प्लेस किया तो इसका क्वांटम नंबर S S+1 माइनस S1 S1+1 माइनस S2 S2+1 एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2। ये वैल्यूज S को हाफ प्लेस कर रहे हैं, तो 3/4 माइनस
एस वन वन है तो ये टू हो गया, माइनस एस टू, एस टू हाफ है तो ये थ्री बाई फोर, एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू, थ्री बाई फोर कैंसिल आउट हो गया, टू एडजस्ट हो गया तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर। एस वन डॉट एस टू, एस को थ्री बाई टू प्लेस करेंगे तो ये थ्री बाई टू, थ्री बाई टू प्लस वन दैट इज फाइव बाई टू, माइनस टू माइनस थ्री बाई फोर, एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू, तो फिफ्टीन बाई फोर माइनस ये फोर एलसीएम आ गया, एट माइनस थ्री, एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू, तो ये फोर यहाँ पे फोर बाई फोर बनेगा तो एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से आपको ये एस वन डॉट एस टू की टू वैल्यूज कंफर्म हो गई, ये एस हाफ के लिए और ये एस थ्री बाई टू के लिए। अब आपको ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए चेक करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू में आप ये एस वन एक्स और एस टू एक्स जो आप फाइंड करेंगे, तो एक्स कंपोनेंट दोनों अगर प्लस हो जाए दोनों पार्टिकल के लिए, तो यहाँ पे एम एस वैल्यू प्लस वन और यहाँ पे एम एस वैल्यू हाफ, तो ये कंडीशन आपको थ्री बाई टू कंट्रीब्यूट करेगा। ये पॉइंट सजेस्ट कर पा रहे हैं, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं प्लस साइन के साथ। इसकी मैक्सिमम आइगन वैल्यू कब होगी, जब ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव बने, एस वन एस टू भी पॉजिटिव आए और ये टर्म भी पॉजिटिव आए, दोनों निगेटिव हो जाएंगे तो मिनिमम की तरफ जाएगा और दोनों डिफरेंट साइन में आएंगे तो कोई इंटरमीडिएट वैल्यू लाइक। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? जी सर। या तो सारी वैल्यूज फाइंड कर लें या आपको जो मैंने सजेस्ट किया है पॉइंट उससे लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, एस वन डॉट एस टू में एस थ्री बाई टू के लिए वैल्यू लार्जेस्ट है तो ये ए एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू, और जब यहाँ पे सजेस्ट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे एम एस वैल्यू प्लस वन और यहाँ पे एम एस वैल्यू प्लस हाफ प्लेस करेंगे तो ये वैल्यू एच क्रॉस के टर्म्स में एच क्रॉस प्लस एच क्रॉस बाई टू। वन बाई टू कॉमन ले लिया, ए एच क्रॉस स्क्वेयर प्लस ये टर्म थ्री बाई टू बन गया तो थ्री बी एच क्रॉस, फर्स्ट ऑप्शन पे लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर सिक्स। कोई स्टूडेंट मैसेज किए हैं कि ये डिस्कस हो गया है? यस सर, हो गया। बाकी और भी बताएंगे, हो गया क्या? हो गया सर। तो फिर जिन्होंने बताया उनका या तो वाई चांस छूटा है, सेवन डिस्कस करते हैं। The coordinates of two identical particles of spin zero in one dimensions are x1, x2 respectively. Which of the following function is an admissible wave function of two particles? Spin zero के particles हैं, two identical particles. तो spin zero it means bosons हैं, two identical bosons. तो total wave function symmetric होगा ना? और space part को यहाँ पे include करेंगे, ये सिमेट्रिक आना चाहिए। अब जस्ट यहां पे यही चेक कर लें कि किस वेव फंक्शन में सिमेट्रिक करैक्टर इंक्लूड हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एन एडमिसिबल वेव फंक्शन ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम। अगर आप फर्स्ट में एक्स वन और एक्स टू को एक्सचेंज करें तो सिमेट्रिक करैक्टर नहीं। आप सेकेंड में एक्सचेंज करेंगे तो भी सिमेट्रिक करेक्टर नहीं है, क्योंकि के वन के टू चेंज होने से फॉर्म बनेगा के वन एक्स टू प्लस के टू एक्स वन, जो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ना इधर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक बनेंगे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ओनली लास्ट ऑप्शन को आप कंपेयर करें तो सिमेट्रिक करेक्टर को शो करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर बताएंगे, एट्टी थ्री पे डिस्कस हो गए हैं सभी, एट्टी टू पे।
78 पे 6 द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम इन थ्री डायमेंशनल क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड एल इज नॉट जीरो बट थ्री एच स्क्वेयर बाई 8 ml². जब ये क्यूबिकल बॉक्स के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन से ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करते हैं तब भी सेम आता है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तब भी आपको सेम मिलेगा। और ग्राउंड स्टेट एनर्जी नॉन जीरो आपको पार्टिकल बॉक्स में मैंने एक्सप्लेन किया, हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक्सप्लेन किया, और ये जनरलाइज भी किया कि किसी भी बाउंड सिस्टम के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी नॉन जीरो आएगा क्वांटम मैकेनिकली ड्यू टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑप्शन द ग्राउंड स्टेट हैज नो नोड्स इन द इंटीरियर ऑफ द बॉक्स, नोड्स नहीं होगा बट इससे ये एनर्जी नॉन जीरो आने का कोई रिलेशन नहीं है। दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट चॉइस ऑफ द जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड, पोजिशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, तो थर्ड स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये करेक्ट है। जब आप डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू यूज करेंगे तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी नॉन जीरो बनेगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट बताइए। इसका 9 भी है, अगर हो गया तो कंफर्म कर देंगे, बाकी मैंने लगता 9 है सर। बाकी और कोई रिप्लाई करिए। 78 पे 9 डिस्कस हुआ सर? नहीं हुआ। डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन ए गिवन सिस्टम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द वेव फंक्शन साई फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई इज इक्वल टू 0.8 साई 100 प्लस 0.6 एक्सपोनेंशियल आई पाई बाई 3 साई 311 Where the psi and lm denote normalized eigen energy eigenstates. If lx, ly, lz are the component of orbital angular momentum operator, the expectation value of lx square. और ये expectation find करने के लिए आप l square minus lz square expectation by 2. तो एल स्क्वायर एक्सपेक्टेशन आप सेपरेटली पहले फाइंड कर लें और एल जेड स्क्वायर एक्सपेक्टेशन सेपरेटली फाइंड कर लें, या आप कंबाइंड ऑपरेटर का भी वैल्यू फाइंड करके एक्सपेक्टेशन फाइंड कर सकते हैं। एल स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ये आप कंपेयर करें कोफिशिएंट्स के मॉड स्क्वायर का सम करेंगे तो 1 आएगा, स्टेट नॉर्मलाइज है। फर्स्ट क्वांटम नंबर एन है, सेकेंड क्वांटम नंबर एल है, तो 0.6 स्क्वायर मॉड स्क्वायर करना है तो ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर एलिमिनेट हो गया मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस एच क्रॉस स्क्वायर। एल जेड स्क्वायर के लिए प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू सम ओवर ऑल स्टेट्स, यहाँ पे भी मैंने प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू सम ओवर ऑल स्टेट यूज किया बट ये क्वांटम नंबर जीरो होने से आइगन वैल्यू जीरो बन गया एल स्क्वायर के लिए भी और एल जेड स्क्वायर के लिए, ओनली ये टर्म कंट्रीब्यूट करेगा 0.6 स्क्वायर एल जेड स्क्वायर है एम एच क्रॉस एम स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर, तो प्लेस करेंगे एक्सप्रेशन में एल स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस एल जेड स्क्वायर एक्सपेक्टेशन डिवाइडेड बाय 2 ट्वाइस एच क्रॉस स्क्वायर 0.36, यहां से एच क्रॉस स्क्वायर कॉमन लिया तो 2 टाइम्स ऑफ 0.36 माइनस 0.36 डिवाइडेड बाई 2 तो 0.18 एच क्रॉस स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन जाए। सेवेंटी सेवन पे फोर A rigid rotator is in a quantum state described by the wave function psi theta phi is equal to square root 3 by 4 pi
साइन थीटा साइन फाई, वेयर थीटा एंड फाई आर द यूजुअल पोलर एंगल्स. इफ टू सक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ एलजेड आर मेड ऑन दिस रिजिड रोटेटर, इन दिस रोटेटर, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड मेजरमेंट विल यील्ड द वैल्यू प्लस एच क्रॉस इज स्क्वायर रूट 3/4 pi एस एच साइन थीटा साइन फाइव को आप एलिमिनेट करेंगे, एक्सपोनेंशियल आई फाइव माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आई फाइव बाई 2i. ये आप यहाँ पे कंपेयर करें, प्लस वन के लिए ये एम वैल्यू प्लस वन यहाँ पे है और एम वैल्यू माइनस वन यहाँ पे है, और यहाँ से साइन थीटा पार्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एल वैल्यू भी आपको यहाँ पे कन्फर्म. तो ये स्टेट फर्स्ट टर्म आप नोट कर सकते हैं, वाई वन प्लस वन और ये वाई वन माइनस वन, टू ही स्टेट अलाउड है, वाई वन वन और वाई वन माइनस वन. दोनों के कोफिशियंट्स के मॉड स्क्वायर का सम करेंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं, दोनों के कोफिशियंट्स के मॉड स्क्वायर करेंगे तो सेम आएंगे. ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? मॉड स्क्वायर करेंगे तो सेम आएंगे, जब सेम आएंगे तो इक्वली प्रोबेबल स्टेट्स हैं, और जब इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेट की वाई वन प्लस वन की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया, वाई प्लस वन के लिए हाफ बनेगा और वाई वन माइनस वन के लिए भी हाफ बनेगा. ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? कोफिशियंट्स का मॉड स्क्वायर मैच करता है तो टू स्टेट्स में बोथ के कोफिशियंट मॉड स्क्वायर से पोलिटी इक्वल आएगा और इक्वल पोलिटी के लिए हाफ हाफ बने, चाहे आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते. तो स्टेटमेंट में आपको प्रोबेबिलिटी सक्सेसिव मेजरमेंट के लिए पूछा है, तो फर्स्ट मेजरमेंट अगर आप करते हैं, If two successive measurement of LZ are made on this rotator, the probability that the second measurement, तो second measurement के लिए पहले आपको state पता होना चाहिए. The state immediately, या पहले probability for first measurement find कर लें. The probability that the measurement of LZ yield the value H cross in first measurement, और first measurement के लिए ये probability को मैंने वन कर दिया. फर्स्ट मेजरमेंट के लिए ये स्टेट है, एच क्रॉस इस स्टेट में बनेगा जब आप एम की वैल्यू को प्लस बन लेंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे कंफर्म है हाफ. द स्टेट इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट मेजरमेंट जब फर्स्ट मेजरमेंट लेंगे तो जो स्टेट कंट्रीब्यूट करती है रिजल्ट में तो यहां पे स्टेट को मैंने सपोज साई डैश कर दिया और ये स्टेट बनेगा ये कोफिशिएंट वाई वन प्लस ये जो स्टेट कंट्रीब्यूट नहीं करेगी वो एब्सेंट हो जाएगी. अब इससे जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेगी क्योंकि सिंगल स्टेट है तो इससे प्रोबेबिलिटी बनाएगी. जब इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टेट से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे सेकंड मेजरमेंट के लिए तो यहाँ पे दोनों से टू सक्सेसिव मेजरमेंट के लिए दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आपको पता चल गया वन है और सक्सेसिव मेजरमेंट के लिए प्रोबेबिलिटी जब आप फाइंड करेंगे तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी को आप प्रोडक्ट करेंगे जो हाफ बनेगा दैट इज 0.5.
थर्ड ऑप्शन कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम बताएंगे 76 9 पेज नंबर 76 प्रॉब्लम नंबर 9। कंसिडर ए क्वांटम पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन ए पोटेंशियल वी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0 अदरवाइज इंफिनिटी। तो टू डायमेंशनल पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल को आप नोट कर सकते हैं v फंक्शन ऑफ x एंड v फंक्शन ऑफ y, एडिटिव पोटेंशियल है और ईच डायरेक्शन के लिए हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर टाइप पोटेंशियल है। हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर फॉर y पॉजिटिव अदरवाइज इनफाइनाइट। और आपको सिंगल लीनियर वन डायमेंशन के लिए ये फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के रिजल्ट्स बताए गए। यहाँ पे जब आप एनर्जी फाइंड करेंगे तो ये ट्वाइस एन एक्स प्लस 3/2 एच क्रॉस ओमेगा बनेगा विद ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन एक्स। जब आप वाई डायरेक्शन के लिए एनर्जी फाइंड करेंगे क्वांटम नंबर एन वाई लेंगे दैट इज ट्वाइस एन वाई प्लस 3/2 एच क्रॉस ओमेगा विद पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन वाई 0, 1, 2, 3 टू इनफाइनाइट। ये इंडिविजुअल पोटेंशियल्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये एनर्जीज आपको सभी को कन्फर्म होगी। इंडिविजुअल डायरेक्शन के लिए नॉन डिजेनरेट आती हैं बट यहाँ पे जैसे ही आप बोथ पोटेंशियल्स को कंबाइन करेंगे पोटेंशियल एडिटिव है तो एनर्जी भी एडिटिव आएगा। तो दीज टू इंडिविजुअल डायरेक्शन की एनर्जी को यहाँ पे ऐड करेंगे twice nx plus 3/2 h cross omega plus 2ny plus 3/2 h cross omega। तो यहाँ से एनर्जी बनेगा 2 times nx plus ny plus 3 h cross omega और nx plus ny जब these values place करेंगे तो इसको आप n से रिप्लेस कर सकते हैं रिजल्ट बना ट्वाइस n प्लस 3 एच क्रॉस ओमेगा वेयर n इज एन एक्स प्लस एन वाई दैट टेक वैल्यूज 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। तो ये एनर्जी एक्सप्रेशन मैंने इस पोटेंशियल के लिए आपको डिस्कस कर दिया। अब स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू करते हैं व्हाट इज द डिजेनरेसी ऑफ एनर्जी स्टेट 9 एच क्रॉस ओमेगा। एनर्जी आपको गिवन है 9 एच क्रॉस ओमेगा और ये 9 एच क्रॉस ओमेगा यहाँ से आप प्लेस करेंगे तो ट्वाइस एन प्लस 3 वैल्यू आपको 9 दिया हुआ है। तो ट्वाइस एन वैल्यू आपको यहाँ पे 6 दिया है तो एन वैल्यू आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया 3 है। बट ये एन वैल्यू एन एक्स प्लस एन वाई के इक्वल है। अब यहाँ से एन एक्स एन वाई की पॉसिबिलिटीज अगर आप काउंट करें तो आपको डिजेनरेसी पता चल जाएगा। n वैल्यू एन एक्स एन वाई 0 से स्टार्ट होगा तो ये पॉसिबिलिटी 0 और 3 के लिए हो सकती है 1 और 2 के लिए 2 और 1 3 एंड 0 इसके अलावा ये सम 3 होने की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। 4 डिजेनरेसी बन गई। सर हो गया सभी को। सर एक क्वेरी थी। बताइए सर लास्ट क्वेश्चन में जो हमने प्रोबेबिलिटी वाला निकाला अगर सर उसमें ये होता कि सक्सेसिव मेजरमेंट पे माइनस एच क्रॉस के लिए क्या होगी तो सर हम 0 लिख देते डायरेक्टली। फिर से बोलिए। सर मैंने कहा जो पिछला भी उन्होंने क्वेश्चन किया है नहीं अगर दोनों बार माइनस एच क्रॉस ले रहे हैं तो रिजल्ट सेम रहेगा। नहीं नहीं सर एक बार प्लस और एक बार माइनस तो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम
नेक्स्ट रोल नंबर बोलेंगे, सर मे बी 75 पे 1 to 5 है सर, एक बार कंफर्म और लुक कर लो। यस सर, 1 to 4। 1 to 4 75 पे 1 2 3 4 5 5 शायद हो गया, 5 हो चुका सर। यस सर, 5 हो गया। 75 पे 1 to 4। Consider the particle of mass m moving inside a two-dimensional square box whose sides are described by the equations x equal to 0, x equal to l, y equal to 0, y equal to l. Potential का definition आपको यहाँ पे hint किया है, तो उससे आपको ये confirm हो रहा है square potential है. अगर potential form को compare करेंगे यहाँ पे तो two-dimensional square potential value. 0 and infinite for x lies between 0 to l, y lies between 0 to l, otherwise infinite. What is the lowest eigenvalue of an eigenstate which changes sign under the exchange of x and y? So here se possible wave function nx, ny, two quantum number mein aap note karenge. That is the product of psi nx x. And psi ny y. पहले इस यहां से एनर्जी फॉर्म और पॉसिबल वेव फंक्शन फॉर्म नोट करेंगे. तो इसके लिए एनर्जी बनेगा nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर pi स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर by 2i ny स्क्वायर एंड वेव फंक्शन स्क्वायर रूट 2 by l sin nx pi x by l स्क्वायर रूट 2 by l साइन एन वाई पाई वाई बाई एल इन साइड द वेल अदरवाइज जीरो. अब यहां पे जो कंडीशन दिया है, व्हाट इज द लोएस्ट आइगन वैल्यू ऑफ एन एनर्जी आइगन स्टेट विच चेंजेस साइन अंडर द एक्सचेंज ऑफ एक्स एंड वाई. एक पॉसिबिलिटी अगर आप चेक करें यहां पे, मैंने nx को 1 कर दिया और ny को भी 1 कर दिया, तो फॉर्म वेव फंक्शन पार्ट में जो वेरिएबल पार्ट है sin pi x by l और sin pi y by l, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने psi फंक्शन ऑफ x y लिख दिया. अब x और y को अगर हम एक्सचेंज करें तो ये y पहले और x फिर से नोट किया, तो इस वाले आर्ग्यूमेंट में मैं x को y से रिप्लेस कर रहा हूँ और इसमें y को x से. अब आप ये बताएं क्या ये वेव फंक्शन फॉर्म चेंज होगा, बोलिए. जब nx and y को मैंने सेम लिया, वन किया, तो ये दोनों वेव फंक्शंस तो सेम आएंगे. जब वेव फंक्शन सेम होंगे तो क्या साइन चेंज करेंगे? नहीं चेंज करेंगे. तो जब आप nx and y को इक्वल लेंगे तो ये अंडर द एक्सचेंज ऑफ एक्स एंड वाई बेस फंक्शन सेम होगा, साइन चेंज ही नहीं करेगा. तो साइन चेंज होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही हो सकती है, जब एन एक्स एंड वाई डिफरेंट होंगे. तो यहाँ पे जो पॉइंट मैंने हिंट किया वो सभी को कंफर्म होना चाहिए, इफ एन एक्स इज इक्वल टू एन वाई देन अंडर द एक्सचेंज वाई टू एक्स देन फंक्शन विल बी सेम for all values of nx and y with this condition. So to change sign, under the exchange of x and y, nx and ny must be different. ये different होना चाहिए. और minimum value के लिए, minimum energy के लिए nx ny की इस कंडीशन के साथ मिनिमम वैल्यूज क्या हो सकती है वो आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है. फॉर ग्राउंड स्टेट
विद दिस कंडीशन एन एक्स, अगर आप वन ले रहे हैं तो एन वाई आप टू लेंगे, अगर एन एक्स को आप टू ले रहे हैं एन एक्स एन वाई को आप वन लेंगे मिनिमम एनर्जी के लिए, क्योंकि इसके अलावा जैसे ही पॉसिबिलिटी एन एक्स एन वाई डिफरेंट के लेंगे तो एनर्जी हायर बनेगा। अब यहां से एनर्जी को आप चेक कर सकते हैं, कोई एक क्वांटम नंबर को वन और अनदर को टू रिप्लेस करेंगे तो ये फाइव पाई स्क्वायर एच टू स्क्वायर बाई टू एक्स एनर्जी स्क्वायर। अगर ये कंडीशन नहीं होता तो मिनिमम एनर्जी यहाँ पे पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई एम एल स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम के ऑप्शन, इस प्रॉब्लम के ऑप्शन में किसी में भी पाई स्क्वायर नहीं है, सभी में पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तभी करेक्ट बनेगा। क्लियर हो गया? यस। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर टू, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन बाउंड टू प्रोटॉन इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पॉजिट्रोनियम, आप रिकॉल करें जब आपको एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम मैंने डिस्कस किया था nth स्टेट के लिए, तो ये माइनस एम जेड स्क्वेयर ई पावर फोर हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए बाई ट्वाइस 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर एन स्क्वायर है, यही पार्ट था। तो जैसे ही आप पॉजिट्रोनियम एटम लेंगे तो इस मास को रिड्यूस मास से रिप्लेस करेंगे, और पॉजिट्रोनियम एटम के लिए रिड्यूस मास आपको पहले डिस्कस किया हुआ है इलेक्ट्रॉन मास का हाफ आता है, और जैसे ही रिप्लेसमेंट करेंगे एनर्जी फॉर पॉजिट्रोनियम एटम इज हाफ ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये पॉइंट रिकॉल हो रहा होगा सभी को, माइनस हाफ 13.6 बाई एन स्क्वायर। ये माइनस मैंने इनसाइड में इन इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी होता है पार्टिकल को अनबाउंड करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, तो पॉजिटिव साइन के साथ बाइंडिंग एनर्जी आप नोट करें। तो बाइंडिंग एनर्जी n इक्वल टू 1 के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए दिया है, जो n इक्वल टू 1 में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका हाफ बन जाए। तो यही रिलेशन बाइंडिंग एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, nth स्टेट एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी फॉर पॉजिट्रोनियम एटम इज हाफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसी भी स्टेट के लिए आप चेक कर सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी फॉर पॉजिट्रोनियम एटम इज 13.6 बाई 2 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मास फैक्टर की वजह से वेरिएशन हाफ हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बन गया। सेम पेज पे प्रॉब्लम नंबर 3, इफ ए प्रोटॉन वर 10 टाइम्स लाइटर then the ground state energy of the electron in a hydrogen atom would have been more, less, same, depends on the electron mass. Recall करेंगे, फिर से reduce mass का concept है, reduce mass, mass of electron multiplied by mass of nucleus, और nucleus में आप one proton ले रहे हैं, तो proton mass divided by me mp. अगर आप रिड्यूस मास को कंपेयर करें एम ई एम पी बाई 10, एम ई एम पी बाई 10, तो यहां से कंपेयर करेंगे तो डिनोमिनेटर वैल्यू इंक्रीज हो गया, तो म्यू डैश वैल्यू लेस हो गया, इससे लेस हो गया, लेस होने से ये लेस नेगेटिव वैल्यू बनेगी, और लेस नेगेटिव मींस हायर वैल्यू। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? तो हायर वैल्यू में आपको कन्वर्ट हो जाए, बाकी फैक्टर्स सेम रहेंगे, तो ये लेस वैल्यू लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव मीन्स मोर वैल्यू, सेकंड ऑप्शन करते हैं। सेम पेज पे 4 भी डिस्कस नहीं हुआ है क्या?
सर नहीं हुआ। एक प्रॉब्लम को रिकॉल करेंगे, पेज नंबर 50 पे 19, ये तो डिस्कस हुआ होगा सर। बैक स्लाइड शो करना, पहले ये प्रॉब्लम को चेक करें, ये डिस्कस हो चुका है। यस सर, 50 पे 19। यस सर, अब ये 75 पे 4 के लिए स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि रिजेक्ट क्या ऑप्शन बनेगा, क्या डिस्कस करना है कि नहीं। एक ही है सर ये तो। हाँ जी, सिर्फ डायमेंशन का डिफरेंस है, प्रॉब्लम सेम है। थैंक यू सर। तो अल्फा स्क्वायर टाइम हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, डी ऑप्शन करेक्ट बन जाए। एक मिनट, कोई मैसेज किए हैं निष्ठा यादव सर, आंसर लेस दिया है थर्ड के लिए। 75 पे 3 के आंसर में कोई डाउट है क्या? मैंने जो एक्सप्लेन किया मेरे हिसाब से तो शायद सेकंड ही दिया है सर। सेकंड ही है सर। सेकंड ही है तो वही मैंने एक्सप्लेन किया था मोर के लिए। अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम बताइए। 26 पे नंबर 74 पे 26 स्टेटमेंट, द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट वार्मर लाइन ऑफ द हाइड्रोजन इज 656 नैनोमीटर। द वेवलेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लाइन फॉर ए हाइड्रोजन एटम विद जेड इज इक्वल टू 6 एंड न्यूक्लियर मास ऑफ 19.92 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। देखो सिमिलर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में सॉल्व करते हैं, और मैं यहाँ पे आपको हिंट कर रहा हूँ। वार्मर लाइन के लिए जब आप ट्रांजिशन करेंगे तो फर्स्ट वार्मर लाइन के लिए ट्रांजिशन 3 से 2 में होता है, n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में। एनर्जी हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए आप यूज करेंगे -13.6/n²Z² इन इलेक्ट्रॉन। फॉर फर्स्ट वार्मर लाइन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस for n equal to 3 to n equal to 2। हाइड्रोजन के लिए जेड 1 हो जाएगा और ये आपको वेवलेंथ दिया है। जब आप एनर्जी डिफरेंस के इक्विवेलेंट फोटोन एनर्जी यूज करेंगे E3 - E2, ये एनर्जी डिफरेंस से फोटोन जो यहाँ पे इमिट होगा उस पार्ट के लिए एनर्जी इक्वल प्लेस किया, और ये यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज -13.6/9 माइनस, और इस एनर्जी के माइनस से प्लस 13.6/4। हाइड्रोजन के लिए मेंशन किया हुआ है, हाइड्रोजन के लिए आप जेड को वन कर देंगे। तो यहां से आपको लैम्डा दैट इज HC - 13.6/9 +13.6/4, ये लैम्डा वैल्यू हाइड्रोजन के लिए आपको 656 नैनोमीटर दिया है। अब आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू करें। द वेवलेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन, सेम लाइन के लिए 3 से 2 में, फॉर ए हाइड्रोजनिक एटम विद जेड इज इक्वल टू 6 एंड न्यूक्लियर मास 19.92 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। तो यहां से आप पहले रिड्यूस मास फाइंड करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ न्यूक्लियस।
यहाँ पे प्लेस करेंगे इलेक्ट्रॉन मास एस एच, न्यूक्लियस मास ए प्लस है, यहाँ पे प्लस 19.92 × 10⁻²⁷ डिवाइडेड बाई 9.1 × 10⁻³⁶ प्लस 19.92 × 10⁻²⁷। जब ये रेशो सिंप्लीफाई करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मास ये वैल्यू भी प्लेस कर देंगे तो 0.99 के अराउंड बनेगा। इट मीन्स ये एम ई के मल्टीपल में, इट मीन्स 1 के अराउंड बनेगा, इट मीन्स नियरली सेम रहेगा रिड्यूस मास इलेक्ट्रॉनिक मास के मल्टीपल। ये क्लियर हो गया? अब आपको हाइड्रोजनिक एटम के लिए मैंने वेवलेंथ लैम्डा डैश कर दिया एच सी बाई -13.6, फिर से एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे नोट करेंगे तो इसको मैंने E3 और E2 कर दिया। एच सी बाई -13.6/9 × Z² और जेड आपको यहाँ पे 6 दिया है तो 36 प्लस 13.6 × 36/4। तो इस जब रिड्यूस मास सेम हो गया तो मास का तो कोई कंडीशन यहाँ पे चेंज नहीं होगा, बट बिफोर कैलकुलेशन आपको नहीं पता था इसलिए मैंने कैलकुलेट करके बताया। तो यहाँ से आप ही अगर रेशियो ले लें लैम्डा डैश फाइंड करना है, लैम्डा डैश बाई लैम्डा, तो लैम्डा डैश एच सी बाई दिस फैक्टर, ये एच सी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये -13.6/9 प्लस 13.6/4 डिवाइडेड बाई -13.6/9 प्लस 13.6/4 मल्टीप्लाइड बाई 36। अब लैम्डा डैश आप फाइंड कर सकते हैं 1/36 और यहाँ पे लैम्डा आपको दिया है 656 नैनोमीटर में, ये नियरली आप कंपेयर कर लीजिए। अगर कोई डेसिमल प्लेस में माइनर चेंज आए तो इस वैल्यू को प्लेस कर देंगे यहाँ पे मास के मल्टीपल में, इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में 0.99 ले लेंगे, बाकी चेंज नहीं आ रहा होगा तो इसको 1 से आप फाइंड कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है या चेंज है माइनर? 18.22 मैच कर रहा है, बट ये भी आपको आगे क्लियर होना चाहिए कि हो सकता है कि कहीं पे ये 0.7 बन जाता है तब रिजल्ट चेंज हो जाता है, तब आंसर जरूरी नहीं कि हो सकता है नियरेस्ट डेटा होता तो किसी अनदर ऑप्शन से मैच कर जाता। नेक्स्ट प्रॉब्लम बताइए 72/10 ये डिस्कशन नहीं हुआ नहीं हुआ सर। ए पार्टिकल ऑफ मास एम इन थ्री डायमेंशन इज इन द पोटेंशियल वी फंक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 एंड इनफाइनाइट फॉर आर लेस देन ए दिस 0 एंड आर ग्रेटर देन ए दिस इज इनफाइनाइट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। एक पॉइंट रिकॉल करेंगे स्फेरिकल पोटेंशियल्स के लिए मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन को ऑपरेटर पार्ट को रिड्यूस करके स्कैटरिंग में एक पॉइंट सजेस्ट किया था स्फेरिकल पार्शियल वेव एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे -ℏ²/2m डेल टू साई फंक्शन ऑफ आर प्लस पोटेंशियल टर्म 0 है यहाँ पे इज इक्वल टू ई साई फंक्शन ऑफ आर। तो यहाँ से एक रेडियल वेव फंक्शन का सॉल्यूशन फाइंड करके आपको रिजल्ट डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो फॉर्म बनेगा वो ए साइन के आर बाई आर फॉर्म बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे बी जो स्फेरिकल बेसल फंक्शन में सॉल्यूशन बताया था
रिकॉल करेंगे रेडियल वेव फंक्शन को यू से रिप्रेजेंट किया था, यू के लिए सॉल्यूशन जब फाइंड किया तो ये इक्वेशन यू में कन्वर्ट हो गया था। मैं फिर से वो सिंप्लीफिकेशन नहीं बता रहा, जस्ट मैं रिलेट कर रहा हूँ कि ये इक्वेशन बनेगा अगर ये रिकॉल कर पाए यू के लिए। जब ये रिप्लेसमेंट बताया था इस फॉर्म को कन्वर्ट कराएंगे, जब डेल टू की वैल्यू 1/r² डेल टू बाई डेल आर स्क्वायर नॉट करेंगे, तो ये पार्ट से जब रिप्लेसमेंट किया तो ये फंक्शन ऑफ यू में इस इक्वेशन को फॉर्म को चेक करिए, के स्क्वायर ट्वाइस एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर बना और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इसी फॉर्म में आया यू साइन और कॉस में। और जब आप आर के लिए सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जो आर यहाँ पे साई के इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ ओनली यहाँ पे रेडियल पार्ट बनेगा, बाकी पार्ट एक्सक्लूड हो जाएंगे, तो जो सॉल्यूशन बना आर का, क्योंकि हमें आर के लिए फाइंड करना है, यू तो हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज किया, तो यहाँ पे तो फॉर्म बनेंगे यू के लिए ए डैश साइन के आर प्लस बी डैश कॉस के आर। जब आप आर के लिए सॉल्यूशन फाइंड करेंगे कैपिटल आर के लिए, तो ये आर डिवाइड में है। तो इस इक्वेशन का इस पोटेंशियल के लिए जब आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो ये फॉर्म बनेगा। ये क्लियर हुआ सभी को, ये रिलेट हो रहा होगा? Yes, अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करें इस सॉल्यूशन के लिए। एक तो आर इक्वल टू ए पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है, तो इनसाइड में जब हमने पार्टिकल कंसीडर किया स्फेरिकल वेल के इनसाइड में, तो पार्टिकल इनफाइनाइट पोटेंशियल को ओवरकम करके आउटर में नहीं जाए। इट मीन्स आर इक्वल टू ए पे और आर ग्रेटर देन ए के लिए वेव फंक्शन जीरो बनेगा। एक तो कंडीशन आपको यहाँ पे ये मिल गई एट आर इक्वल टू ए, और आर इक्वल टू जीरो पे वेव फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए, ऑल स्पेस में वेव फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए, अगर इस वेव फंक्शन में आप आर इक्वल टू जीरो कर दें, अब कंपेयर करिए ये टर्म cos 0 1 और r इक्वल टू जीरो पे इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इस फाइनाइट वाली कंडीशन से ये v वैल्यू जीरो होना चाहिए। सभी को क्लियर हो गया? Yes, sir. और जैसे ही आप b को जीरो करेंगे और ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी साइन के आर इक्वल टू जीरो के लिए सेटिस्फाई होगा, और साइन इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई जीरो होता है। तो यहां से के की वैल्यू के की वैल्यू आपको कंफर्म हो गया एन पाई बाई ए, और इस एक्सप्रेशन में एनर्जी के इस एक्सप्रेशन में प्लेस करेंगे तो एनर्जी आपको कंफर्म हो गया एच क्रॉस स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ट्वाइस एम ए स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट के लिए एन को आप वन करेंगे, ये एन वैल्यू वन से लेके इनफाइनाइट तक, जैसे ही आपने वन प्लेस किया आपको एनर्जी एक्सप्रेशन कंफर्म हो गया पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम ए स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन। एक पॉइंट और मैं सजेस्ट कर दूं, प्रॉब्लम तो कंप्लीट हो गया। जब आप एन वैल्यू वन लेते हैं तो एल वैल्यू जीरो होता है, तो एल जब भी जीरो होगा तब ये एक्सप्रेशन हायर एन के लिए वैलिड होगा, बट जैसे ही एल नॉन जीरो आएगा तब ये सॉल्यूशन भी मॉडिफाई होगा, और ये एनर्जी एक्सप्रेशन में भी एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो एनर्जी टर्म होगा वो इंक्लूड करेगा। ठीक है, ये रिलेशन तभी वैलिड है जब एल को आप जीरो ले रहे हैं। अगर एल नॉन जीरो होगा तो वे फंक्शन में भी मॉडिफिकेशन होगा, क्योंकि आपने ये रेडियल सॉल्यूशन लिया है, एंगुलर कंडीशन आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ सकता है अगर एनर्जी में वो कंट्रीब्यूट करे। नेक्स्ट प्रॉब्लम बताइए।
Give in the following table group 1, group 2. Stern Gerlach experiment, group 1 ke liye Zeeman effect, Frank Hertz experiment, Davison Germer experiment. Group 2 ke liye wave nature of particles, quantization of energy of the electrons in atoms, existence of electron in spin, and space quantization of angular momentum. So, ab yahan pe compare karein, some points maine aapko pehle suggest kiye hue hain. Stern Gerlach experiment, aapko एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन बताता है. डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जब आपको डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तो टू एक्सपेरिमेंट बताए थे, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट एंड थॉमसन एक्सपेरिमेंट फॉर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट. फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट आपको एनर्जी लेवल के क्वांटाइजेशन के लिए बताता है. जीमन इफेक्ट में एमएल वैल्यूज की कंडीशन इंक्लूड करते हैं तो आपको स्पेस क्वांटाइजेशन का आइडिया मिलेगा. तो ये पार्ट आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं. पी के लिए आपको हिंट किया एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, पी थ्री बनेगा. क्यू के लिए जीमन इफेक्ट पार्ट आपको स्पेस क्वांटाइजेशन पार्ट बनेगा. आर फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स बताएगा तो आर के लिए टू बनेगा. और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट एस के लिए वेव नेचर ऑफ पार्टिकल वन बनेगा. तो P3 से सिर्फ एक ही ऑप्शन कंफर्म हो रहा है, थर्ड ऑप्शन. बाकी आप अगर नहीं भी रिलेट कर पाएंगे तो थर्ड ऑप्शन आपको करेक्ट हो रहा है. पेज नंबर 69 पे प्रॉब्लम नंबर 25. द हैमिल्टोनियन फॉर ए क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास m इन थ्री डायमेंशन इज h is equal to p square by twice m plus half m omega square r square, where omega is the angular frequency. The expectation value of r square in the first excited state of the oscillator in units of h cross by m omega rounded off to one decimal place. आप recall करेंगे थोड़ा, जब मैंने linear harmonic oscillator के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट डिस्कस किया था तो मैंने उसी हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक प्रॉब्लम भी डिस्कस किया था. मैंने एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मैंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेट किया. तो एक्स की एक्सपेक्टेशन और एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन को मैंने एक तो ऑपरेटर मेथड से डिस्कस किया और इसी में एनथ स्टेट के लिए अगर आप एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन फाइंड करें तो मैंने सजेस्ट किया कि पोटेंशियल एनर्जी एवरेज फाइंड कर लीजिए, जो एनर्जी एक्सपेक्टेशन का हाफ यहाँ पे हाफ बनेगा. और पोटेंशियल एनर्जी से आपको एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन का कंफर्म होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और ये एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा बाई टू. तो यहाँ से ये टू फैक्टर हट गया. एक्स स्क्वायर एवरेज एन प्लस हाफ एच क्रॉस बाई एम ओमेगा, ये रिजल्ट बताया था एक्स स्क्वायर एवरेज. यस सर. तो ऑपरेटर मेथड आप चाहे यूज करते या लाइक दिस आप एनालॉजी कर लेते, यहाँ पे थ्री डायमेंशन का पार्ट है. तो इस एनर्जी में जब आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एवरेज एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट के डायरेक्शन की एनर्जी से रिलेट करते तो यहाँ से आपको यही रिजल्ट कन्फर्म हो जाता, एन एक्स प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा h cross by m omega, n y plus half, ये x square के लिए, या मैं step यहाँ पे increase कर दे रहा हूँ, r square average can be written as x square average plus y square average plus z square average. अब चाहे operator method फिर से individual direction के लिए apply कर लें या जो approach मैंने अभी discuss किया उसको आप use करेंगे तो corresponding direction के लिए quantum number notation different use करेंगे. H cross by m omega plus nz plus half h cross by m omega, nx plus ny plus nz plus 3 by 2
एच क्रॉस बाई एम ओमेगा, और इसको आप एन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एन प्लस थ्री बाई टू एच क्रॉस बाई एम ओमेगा। स्टेटमेंट में पूछा है इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एन वैल्यू आप वन प्लेस करें। एन एन एक्स एन वाई एंड एन जेड जीरो से स्टार्ट होगा विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी अप टू इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, तो फर्स्ट स्टेट के लिए नेक्स्ट नंबर वन बनेगा। यहाँ पे प्लेस करें एन को वन किया तो फाइव बाई टू एच क्रॉस बाई एम ओमेगा, दैट इज 2.5 एच क्रॉस बाई एम ओमेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम 26 भी है, yes, sir. A free particle of mass m is located in a three-dimensional cubic potential well with impenetrable walls, the degeneracy of fifth excited state of the particle. ये आपको टेबल मैंने डिस्कस किया हुआ है, उसको आप रेफरेंस लें, आप कंपेयर करें इस फिफ्थ एक्साइटेड में सिक्स्थ नंबर पे क्या एनर्जी आ रहा है। ये आपको भी टेस्ट डिस्कशन किया था, वहाँ पे भी सम पॉइंट सजेस्ट किए थे। फर्स्ट एनर्जी था यहाँ पे 3π² एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम एल स्क्वायर, नेक्स्ट एनर्जी था 6 इस फैक्टर के मल्टीपल में, फिर था 9, फिर 11, 12 था और एक 14 था, 6 नंबर पे 14 आएगा। ये सभी को रिलेट हो गया, yes, sir. और फिफ्थ एक्साइटेड के लिए आप पॉसिबिलिटीज एन एक्स एन वाई एन जेड की चेक करेंगे। एनर्जी बना 14π² एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम एल स्क्वायर, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, ये 14 है जो आप पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। तो एन एक्स एन वाई एन जेड 1, 2, 3, 1, 3, 2 ये आपको टेबल में बताया है, 1, 2, 1, 3 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1 ये 6 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, तो डीजेनरेसी आपको यहाँ पे 6 बन जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर बताएंगे, सर 67 पे 11, 12 67 पे 11 एंड 12 कंसीडर द कंबाइंड सिस्टम ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, लेट आई डिनोट द क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद टोटल एंगुलर मोमेंटम एंड लेट एम डिनोट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन द स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट ए पॉसिबल स्टेट ऑफ द सिस्टम, म्यू बी इज बोहर मैग्नेट्रॉन। फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम आप एन एल एम ये 100 लेते हैं, और स्पिन वैल्यू होता है एम एस वैल्यू प्लस आप भी हो सकता है और माइनस। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको एम एक्सपेक्टेशन डिनोट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस स्टेट। मैग्नेटिक मोमेंट मैंने पहले म्यू से रिप्रेजेंट किया था, और ये म्यू एल प्लस म्यू एस आपको डिस्कस किया है। अब यहाँ पे माइनस ई बाई ट्वाइस एम एल
माइनस ट्वाइस ई बाई ट्वाइस एम एस। अब यहां से एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए अगर चेक करेंगे तो ये एल वैल्यू जीरो होने से ऑर्बिटल कंडीशन एक्सक्लूड हो जाएगा, ओनली स्पिन कंडीशन बचेगा, और इसको एम एस एस जेड पार्ट से एम एस एच क्रॉस। तो मैग्नीट्यूड पार्ट अगर आप यहां पे चेक करें, इसका मैग्नीट्यूड पार्ट जो एम पार्ट हिंट किया है, तो ये ई एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम पार्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन इंक्लूड नहीं किया, ओनली मैग्नीट्यूड पार्ट लिया है। तो ये बोहर मैग्नेट्रॉन में वन यूनिट को कंट्रीब्यूट करेगा, वन पार्ट लेगा, यूनिटी लेगा। अब इसी में आगे एक पार्ट और है, आई डिनोट द क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद टोटल एंगुलर मोमेंटम। जो हम सबसे पहले जे नोटेशन ले रहे थे वो यहाँ पे आई है, आई को हम एल प्लस एस नॉट करेंगे और क्वांटम नंबर आई एल प्लस एस मैग्नीट्यूड टू एल माइनस एस मैग्नीट्यूड विद रेफरेंस ऑफ यूनिटी। तो एल वैल्यू जीरो है और एस वैल्यू हाफ है, तो एक ही वैल्यू आपको यहाँ पे बनेगा हाफ, ये आप कंपेयर कर सकते हैं, आई वैल्यू हाफ और एम एक्सपेक्टेशन म्यू भी सेकंड ऑप्शन करते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, बोलिए सर। इसमें जो हम एस वेक्टर सर, हम इसको मतलब एम एस एच क्रॉस जैसे आपने लिया है, तो हम अंडर रूट एस एस प्लस वन एच क्रॉस भी तो सर ले सकते हैं, मतलब वो भी, मतलब वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना कि हम क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। जब आप हाइड्रोजन एटम पढ़ते हैं तो रिजल्टेंट जो स्पिन होगा किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा, या तो मान के चलिए जेड के पैरेलल और जेड के एंटी पैरेलल। ओके सर, तो सर फिर दो वैल्यूज अलाउड सर, वो तो फिर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अप्लाई करेंगे तो उससे नहीं सर वो रेफरेंस डायरेक्शन में भी आपको यही बताया है, कोई भी रेफरेंस डायरेक्शन के अलावा। ओके सर, नेट मैग्नीट्यूड पूछा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। जब आप कंपेयर करिए, थोड़ा आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी रिकॉल कर लिया करें, आप एलएस कपलिंग पढ़ते हैं यस सर। ये पार्ट जैसे यहाँ पे है तो जे रिजल्टेंट जे की बात कर रहा है, अगर कपलिंग नहीं होता तो ये एस वैल्यू किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था। तो आप रिकॉल करेंगे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन से जो मैग्नेटिक फील्ड अराइज होता है उसकी डायरेक्शन के अलोंग यहाँ पे स्पिन का कंपोनेंट अलाइन करेगा, तो होगा ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। यस सर, दो वैल्यूज होंगी हाफ और माइनस। प्रॉब्लम नंबर 12, द थ्री प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए मेथनॉल मॉलिक्यूल हैव द प्रॉपर्टी आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू कैपिटल आई बट आई जेड नॉट इक्वल टू आई द रोटेशनल एनर्जी। तो यहाँ पे थ्री डायरेक्शन में रोटेशन है और रोटेशनल एनर्जी जब आप नॉट करेंगे तो एल एक्स स्क्वायर अपॉन टू आई एक्स एल वाई स्क्वायर अपॉन टू आई वाई प्लस एल जेड स्क्वायर अपॉन टू आई जेड। ये एक्स डायरेक्शन के लिए, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मैंने यहाँ पे नोट कर लिया क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी आइगन वैल्यू पूछा है। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्सिया यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर अपॉन टू आई बनेगा। अगर यहाँ पे मैं एल जेड स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में एल जेड स्क्वायर अपॉन टू आई एड कर लूँ और एल जेड स्क्वायर अपॉन टू आई डिफरेंस कर लूँ, तो एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर बाई टू आई प्लस एल जेड स्क्वायर अपॉन टू आई जेड एस एच, और यहाँ पे जो टर्म प्लस किया है इसको मैंने माइनस किया एल जेड स्क्वायर अपॉन टू आई, ये अभी भी सेम है, इसको मैं एल स्क्वायर नॉट कर सकता हूँ। अब एल स्क्वायर और एल जेड स्क्वायर की आइगन वैल्यूज अगर यहाँ पे प्लेस कर दें तो आपको एनर्जी आइगन वैल्यूज पता चल जाएंगे। एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू एल इन टू एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू आई, एल जेड के लिए एम एल स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू आई टू आई जेड, और नेक्स्ट के लिए
अपॉन टू वाई। अब ऑप्शन को कंपेयर कर लीजिए, दीज टू टर्म से एम एल स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाई टू कॉमन लेंगे तो वन बाई आई जेड माइनस वन बाई आई एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू आई फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम बताइए। 66 पे क्वेश्चन नंबर 1 3 6 66 पे 1 3 6 9 66 पे 6 7 कॉमन डेटाबेस है। 66 पे 1, द हैमिल्टोनियन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज पी स्क्वायर बाई टू आई सेम माइनस ई स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर। वी आर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, लेट साइड नोट द ग्राउंड स्टेट ऑफ एच विद साइज आई वन, नॉर्मलाइज्ड स्टेट है। तो इस हैमिल्टोनियन के लिए आप एनर्जी आइगन वैल्यूज जब आप फाइंड करते हैं तो ये नोटेशन सेट ऑफ साई इसका एनर्जी आइगन फंक्शन दिया है, और ये एनर्जी आइगन फंक्शन आप कंपेयर करें तो इससे ब्रैकेट फाइंड करेंगे साई एच साई, और यहाँ पे इस ब्रैकेट से हैमिल्टोनियन इस पर ऑपरेट किया nth स्टेट, यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट के लिए वर्ड लिया है, बट अगर किसी भी स्टेट पे अप्लाई करते तो ये -13.6 बाई एन स्क्वायर एनर्जी आइगन वैल्यू देता है और फिर से ब्रैकेट वैल्यू बना जाता है। तो इन दिस केस एच एक्सपेक्टेशन ये टर्म ब्रैकेट रिप्रेजेंट करेगा और ये वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर nth स्टेट बनेगा। अगर इसको हम ग्राउंड स्टेट के लिए चेक करें तो ये बना गया और ये एनर्जी आता है -13.6 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये नेगेटिव है। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, ये एनर्जी आपको यहाँ पे नेगेटिव दिया है, और अगर आप यहाँ पे कम्यूटेटर ब्रैकेट्स और फाइंड करें तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे एच पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम से कम्यूट नहीं करता। साई आर साई ब्रैकेट की वैल्यू 3/2 ए नॉट बताया है मैंने, साई 1/r साई ब्रैकेट वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू 1/r 1/a0 बताया, तो यहाँ पे जो फोर ऑप्शन में रिजल्ट दिए हैं ओनली डी ऑप्शन में। क्लियर हो गया? पेज नंबर 66 प्रॉब्लम नंबर 3, द स्पिनलेस पार्टिकल्स मूव्स इन अ सेंट्रल पोटेंशियल वी फंक्शन ऑफ आर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट हैव साइमल्टेनियस शार्प वैल्यूज। अगर आप यहाँ पे ये इसी पोटेंशियल को रेफरेंस लेते हैं जो सेंट्रल पोटेंशियल है, और एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का एग्जांपल भी आपको सेंट्रल पोटेंशियल में बताया है, तो यहाँ पे पी स्क्वायर बाई टू आई सेम जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल ये कॉम्यूट नहीं करते हैं, और जब कॉम्यूट नहीं करेंगे तो जो आइगन फंक्शन पी स्क्वायर के लिए होगा वो जरूरी नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी हो। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट हैव साइमल्टेनियस शार्प वैल्यूज, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। बाकी ऑप्शंस को भी आप चेक कर सकते हैं, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल कैन हैव साइमल्टेनियस शार्प वैल्यूज। अगर यहाँ से आप पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम और एच का कम्यूटेटर फाइंड करें ये नॉन जीरो आएगा, वी फंक्शन ऑफ आर एच का कम्यूटेटर फाइंड करें ये भी नॉन जीरो आएगा। तो जो एनर्जी आइगन फंक्शन हैं वो ना तो काइनेटिक एनर्जी के आइगन फंक्शन होंगे ना पोटेंशियल एनर्जी के, तो किसी के साथ भी शार्प वैल्यूज नहीं रखेंगे। यहाँ पर कैन हैव वर्ड यूज किया हुआ है इसलिए रॉन्ग हो गया। टोटल एनर्जी एंड स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, किसी भी सेंट्रल पोटेंशियल के लिए एल स्क्वायर कॉम्यूट करता है इससे, तो एल स्क्वायर और एच साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन होंगे, उनकी मेजरमेंट करेंगे तो साइमल्टेनियस शार्प वैल्यूज मिलेंगी। टोटल एनर्जी एंड स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन कैन नॉट वर्ड यहाँ पे यूज किया, अगर कैन नॉट वर्ड नहीं होता कैन होता तो करेक्ट हो जाता है। अब डी ऑप्शन, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कैन हैव ओनली डिस्क्रीट आइगन वैल्यूज, ये डिस्क्रीट एनर्जी का कंसेप्ट तब आएगा जब पार्टिकल बाउंड हो, और बाउंड के लिए आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ऑल स्पेस में पार्टिकल की एनर्जी इस पोटेंशियल से अगर ऑल स्पेस में ग्रेटर हो जाए तो पार्टिकल बाउंड नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन से आइडिया नहीं है, इसीलिए डी ऑप्शन हो भी सकता है और नहीं।
कंफर्म नहीं है जब तक एनर्जी का आइडिया ना हो। तो पार्टिकल की एनर्जी डिस्क्रीट भी हो सकती है, हो सकता है कंटिन्यूस भी हो, बट करेक्ट हमें पता है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 and 7, कॉमन डेटाबेस। द वन इलेक्ट्रॉन स्टेट्स फॉर ए नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड इन ए क्यूबिक बॉक्स ऑफ साइड ए, एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन 4। द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट स्टेट इज, अभी आपको एक क्यूबिकल बॉक्स के लिए मैंने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया, ये एनर्जी एक्सप्रेशन यहाँ पे भी आएगा, ओनली साइड को ए से रिप्लेस करेंगे, बट जो एनर्जीज हैं फर्स्ट लेवल से लेके नेक्स्ट लेवल जो भी नंबरिंग यहाँ पे किया फिफ्थ लेवल, उनकी एनर्जी को वन से ना स्टार्ट करके एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 1 लाइक दिस रिप्रेजेंट किया है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको यहाँ पे कन्फर्म रहेगा सिक्स के लिए, दैट इज 3 pi square h cross square by 2 m a square। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा, ये लास्ट ऑप्शन बन गया ग्राउंड स्टेट के लिए, जिसको यहाँ पे एप्सिलॉन 0 लिखा हुआ है। और प्रॉब्लम नंबर 7 में डीजेनरेसी इंक्लूडिंग स्पिन ऑफ लेवल एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, फोर्थ लेवल की एनर्जी आपको चेक करना है। और फोर्थ लेवल के लिए मैंने आपको हिंट किया 3, 6, 9 और 11, तो एप्सिलॉन 3 यहाँ पे बनेगा 11 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम एल स्क्वायर। तो यहाँ पे 11 के लिए 113 ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, 131 पॉसिबिलिटी हो सकती है, और 311 पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये डीजेनरेसी बनी स्पेस पार्ट के लिए, तो इंक्लूडिंग स्पिन का 2 times जाएगा, क्योंकि स्पिन वेव फंक्शन अप पार्ट के लिए भी हो सकता है स्पिन हाफ, और स्पिन डाउन के लिए भी माइनस हाफ के पार्ट के लिए। तो यहाँ पे जो पॉसिबल वेव फंक्शंस बनेंगे ये विदाउट स्पिन डीजेनरेसी 3 है, जो पहले क्वेश्चन पहले सर गेट पेपर में 3 dimensional पोटेंशियल में पहले डिस्कस हो गया होगा। विदाउट स्पिन डीजेनरेसी बनेगा 3 और इंक्लूडिंग स्पिन इसका डबल हो जाएगा। टोटल स्टेट्स आपको काउंट करनी है जिनके लिए सेम एनर्जी बने, सेम एनर्जी में ईच वेव फंक्शन पोजीशन स्पेस में आप स्पिन के 2 वेव फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्पिन अप के लिए और एक स्पिन डाउन के लिए, तो इसलिए 6-fold जनरेट स्पेस बनेगा, थर्ड ऑप्शन बन गया। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 9। ए पार्टिकल इज मूविंग इन स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल, वी फंक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू अल्फा आर स्क्वायर, वेयर अल्फा इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट इन ए स्टेशनरी स्टेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये आप वेरियल थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको ये रिलेशन पहले बताया हुआ है, n+ 1/2 वी एवरेज। यहाँ पे पोटेंशियल पोजिशन के पावर 2 पर डिपेंड करता है, तो 2/2 से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से मैच करेगा, फर्स्ट ऑप्शन। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सर स्लाइड शो कर दीजिए। एक आइडिया देंगे कि 2 hours की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगी जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। सर वन इतना टाइम लग जाएगा जितना इस पर। 1.5 में हो जाएंगे। सर क्या 106 पे सेकंड क्वेश्चन छोटा सर मेरे में नहीं है, मे भी शायद आपने कराया, फिर से बताइए पेज नंबर। तो 106 पे सेकंड क्वेश्चन, हां जी वो छोटा हुआ है, उसको ट्राई कर लेंगे, उसमें जस्ट कैलकुलेशन है। ओके सर, थैंक यू सर। सर स्लाइड पीछे से दिखा रहे हैं आगे से दिखाएंगे? आपको नहीं पता चलता क्या? आप रोज पूछते हैं। ये बताइए जब लेक्चर लास्ट होता है तो लास्ट स्लाइड पे ही होते हैं ना, मैं लास्ट से फिर से आ जा रहा हूँ। इस स्लाइड का नंबर भी शो होता होगा आपकी स्लाइड स्क्रीन पे, ये लास्ट स्लाइड है, मैं फंस गया।
53 क्वेश्चन बचते हैं सर। कितने? 53 अभी और? हाँ सर, इससे पीछे 53। ऐसे तो नहीं होगा यार। सर नाइन्थ स्लाइड शो करना। आप लेवल वन को भी इंक्लूड कर रहे हैं क्या? हाँ सर इंक्लूड कर। लेवल वन तो लगभग इन्हीं क्वेश्चंस से डिस्कस हो जाएंगे। लेवल वन को हटा के बोलिए। असाइनमेंट हम 5 पे हैं। 5 में हाँ जी आवाज में क्लियर नहीं सुन पा रहा, क्या बोले? ट्वेंटी नाइन चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगे, पता चलेगा। किसी भी असाइनमेंट में शायद 4 स्टार्टिंग के असाइनमेंट को अगर छोड़ दें, असाइनमेंट 1 को, तो शायद 4-5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी असाइनमेंट में। तो बाकी कल पता चल जाएगा जो भी छूटे होंगे जाते जाएंगे। मैं एग्जिट करता हूँ।